डॉक्टर लक्ष्मण, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि देश में हम देख रहे हैं कि दलित राजनीति भी उस तरह से सिकुड़ती जा रही है। हमने देखा कि मायावती का क्या हश्र हो रहा है। ठीक है, आजाद रावण वहां खड़े हो रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति हैं। तो क्या जिग्नेश मेवाड़ी को इस तरह से भी देखा जा सकता है कि एक दलित राजनीति का ध्रुवीकरण भी हो रहा है? कांग्रेस में की तरफ भी वो अब उम्मीद से देख रहे हैं। कोई बड़ा संगठन, कोई बड़ी बड़ा आंदोलन ना होने की वजह से बहुत सारे दलित नेता या दलित कांग्रेस की तरफ भी देखने लगे। क्या इस जिग्नेश के इस तरह से जुड़ने को इस तरह से देखा जा सकता है, या ये गुजरात स्पेसिफिक घटना है? गुजरात की अपनी राजनीति है, वहां की अपनी सीमाएं हैं। जिग्नेश मेवाड़ी वहां की स्थितियों को देखकर ये निर्णय ले रहे हैं। जी मुकेश जी, मैं तो पहली टिप्पणी आपके सवाल पर ये करूंगा कि चंद्रशेखर आजाद अचानक किसी एक भाषण से या अचानक किसी एक घटना से नेता नहीं बन गए। अगर चंद्रशेखर को ये कहा जाए कि वो व्यक्ति मात्र हैं तो ऐसा नहीं है। एक लंबा संघर्ष रहा है, जेल में भी रहे, और उसके बाद वो लगातार सांगठनिक तौर पर विचार के साथ अपनी भूमिका निभा रहे हैं। वो अचानक नेता नहीं बने, जिनके बाद अब उनकी पार्टी ही खुद कहने लगे कि सीपीआई में आने के बाद तो ऐसा तो था नहीं कि उन्होंने कोई बहुत पार्टी या संगठन के लिए काम किया। यद्यपि कि उनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी तक में जगह दे दी गई और तमाम बातें उनके पार्टी के लोग अब कर रहे हैं। तो ये जो एक्सीडेंटल नेता बनना है, अतिरिक्त जो है मीडिया अटेंशन पा जाना है, ये तो देश ने 2010, 11 और 12 में भी देखा कि अचानक एक आंदोलन खड़ा होता है और वो आंदोलन इस पृष्ठभूमि पे खड़ा होता है कि करोड़ों रुपया इस देश का भ्रष्टाचार में चला गया। बाद में सरकारें बदल गईं, उस आंदोलन से एक पार्टी बन गई, वो पार्टी भी आज सॉफ्ट हिंदुत्व खेल रही है, राष्ट्रवादी सिलेबस बना रही है, और जो घोटाला हुआ था उसका कोई परिणाम नहीं निकला। बाद में पता चला कि वो ऐसा तो कोई घोटाला भी नहीं हुआ था। कई बार आंदोलनों का चरित्र भी हमें देखना होता है। जिन नेताओं पर हम बात कर रहे हैं, आज की बहस चूंकि इंडिविजुअल सेंट्रिक है, मैं इसे वहां से इसकी पूरे पॉलिटिकल नरेशन तक ले जा रहा हूं कि अगर आपको ये लगता था कि वामपंथी पार्टी या आपकी इस पार्टी सीपीआई वह संविधान बचाने और देश बचाने में कमजोर साबित हो रही है, तो आप सीपीआई से निकलकर सीपीआईएमएल में चले जाते। यानी मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी, वो तो बिहार में मजबूती से लड़ रही है, वहां तो मजबूत संगठन है, वहां के ज्यादा लोग चुनाव भी जीत रहे हैं, तमाम चीजें हैं। कांग्रेस में आकर के अपने प्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक वाक्य बोलना कि कांग्रेस नहीं बची तो देश नहीं बचेगा, बाद में बेशक उसको करेक्ट किया गया, मुझे लगता है कहीं ना कहीं बीच में एक ये भी काम कर रहा है कि महत्वाकांक्षा के बिना कोई राजनीति में नहीं आता। महत्वाकांक्षा एक बहुत बुनियादी सी जरूरत है, तभी आप बहुत कुछ कंप्रोमाइज करके आप अपना एक सार्वजनिक जीवन चुनते हैं। लेकिन आज तो उनकी पार्टी आरोप लगा रही है कि भाई आप 16 में अचानक हाईलाइट हुए, फिर आप लोकसभा जाने की हड़बड़ी में थे, अब आप राज्यसभा जाने की हड़बड़ी में हैं, तो विचारधारा तो आपने कंप्रोमाइज कर दिया। ये बयान उनकी पार्टी का ही है। मैं अब आपके सवाल पर आता हूं कि ऐसा नहीं है कि इस देश को बचाने और संविधान को बचाने के लिए एकमात्र अम्ब्रेला कांग्रेस ही बची है। ये तो वो लोग कह रहे हैं जो कांग्रेस में चले गए। मैं तो इसे इस रूप में देख रहा हूं कि देश में बहुत सारे जन आंदोलन हो रहे हैं जो कांग्रेस या इस तरह के राजनीतिक दलों की परिधि के बाहर है, और वो संविधान और देश को बचाने के लिए ज्यादा ताकत से लड़ रहे हैं। तो ठीक बात है, आप राजनीति कर रहे हैं, आप कांग्रेस में जाएंगे तो कांग्रेस की तारीफ करेंगे, आप उसको पूरक बताएंगे कि अगर कांग्रेस कमजोर हो गई तो भारत 1947 के पहले का चला जाएगा। मैं तो अपने नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को याद करता हूं, उन्होंने तो कांग्रेस विरोध का आंदोलन चलाया इस देश में। तो ठीक बात है कि जो कांग्रेस उस समय इमरजेंसी का दौर अख्तियार कर रही थी, वो आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में कई तरह चीजें, लेकिन जिग्नेश मेवाणी या इस तरह के नेताओं के चले जाने से अगर आप ये कहें कि जो भी सामाजिक न्याय की आवाजें हैं वो कांग्रेस की तरफ जा रही है, ऐसा नहीं है। सामाजिक न्याय की वैचारिक आवाजों से अगर पूछेंगे तो वो तो ये भी कहेंगे कि हमें तो जितना धोखा बीजेपी ने दिया उससे कम धोखा कांग्रेस ने भी नहीं दिया, थोड़ा बहुत रेशियो में अंतर हो सकता है। तो राजनीतिक विश्लेषण इसका अलग हो सकता है, इसका संविधान और आइडिया ऑफ इंडिया और देश को बचाने से जो जोड़ा जा रहा है, मैं उससे बहुत ज्यादा सहमत हूं। तो पार्टियां तो बनती बिगड़ती रहती है, देश और संविधान उससे बड़ा है जो जन आंदोलनों से, वैचारिक संगठनों से
और पार्टियों के खेमे के बाहर चल रही संघर्षों से बचता है। तो वैचारिकी में बहुत सारे लोग, भाई डॉक्टर अंबेडकर और तमाम लोगों का नाम लेने वाले लोग तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस तक में हैं, तो हम उनसे ये नहीं कहेंगे कि वो डॉक्टर अंबेडकर और तमाम लोगों को जीते। तो ये ऐसा एक एक परिघटना है जिसको बहुत ज्यादा मीडिया अटेंशन मिल रहा है। मैं तो इस बात से चिंतित हूं। बहुत सारी चीजें हैं जिसको पार्टी के लिए बेशक अच्छा हो सकता है, उस नेता के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन अब ये देश के लिए और संविधान बचाने के लिए अच्छा होगा ये कहना अतिशयोक्ति होगी। जी डॉक्टर लक्ष्मण, क्या आपको लग रहा है कांग्रेस के अंदर ये आत्मसंघर्ष चल रहा है वैचारिक स्तर पर क्लैरिटी का, और पूरी राजनीति को नए सिरे से डिफाइन करने का? अगर तपल साहब की बात का भरोसा करें तो विभिन्न सामाजिक वर्गों को जोड़ने का भी एक उपक्रम चल रहा है। क्या आपको ऊपर से देखने से ऐसे लग रहा है क्या? आरएसएस का विरोध तो ठीक है, राहुल गांधी कर रहे हैं, कांग्रेस खुलकर अब कर रही है, लेकिन बाकी चीजों के मामले में क्या आपको लग रहा है ऐसी कहीं से कुछ संकेत मिलते हैं? देखिए, इसका एक जवाब तो ये हो सकता है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी जब लंबे वक्त से सत्ता से बाहर है तो वो मूल्यांकन भी करती होगी कि कैसे किन वजहों से वो सत्ता से बाहर हो गए, जबकि लंबे वक्त तक उन्होंने इस देश में शासन किया है। तो वो नीतियों का मूल्यांकन करेंगे, तमाम चीजों को करेंगे, और जो जो लोग उनसे उनके दायरे से बाहर चले गए उनको वो अपने भीतर शामिल करने की कोशिश करेंगे। तो ये एक सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया है जो कांग्रेस भी अपना रही है, जो लंबे वक्त तक बीजेपी ने अपनाया है। और 2014 के चुनाव के पहले जब सेल्फ मेड ओबीसी प्रधानमंत्री पद के दावेदार बने तो उन्होंने इसको भुनाया, फिर राष्ट्रपति पद पर उन्होंने उम्मीदवार दिया तो उसको भुनाया कि उनकी कास्ट ये है। अब वो कैबिनेट मिनिस्टर बना रहे तो उनकी जातियां बता रहे, लेकिन उनको कभी कोई जातिवादी नहीं कहेगा। तो कांग्रेस अपनी राजनीतिक गति से अपना काम कर रही है, लेकिन जो बातें उर्मिलेश जी ने कही हैं मैं उन्हीं को आगे बढ़ा रहा हूं कि जो आपने अब तक भरोसा खोया है उसी की वजह से आपकी ये दुर्गत हुई है। तो अब आप राजनीति में वापस आना चाह रहे हैं, तो उन भरोसों को जीतना चाह रहे हैं, तो इस तरह के सिंबल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। गुरदीप सप्पल जी जो बात कह रहे हैं कि वो भरोसा जीतने के लिए तमाम कोशिशें जारी हैं, निश्चित रूप से वो कर रहे होंगे, लेकिन अब मैं उसमें दो तीन चीजें जोड़ दूं, इस बहस को और विस्तार देना चाहिए। अगर थोड़ा आप ये, संक्षेप में बिल्कुल बिल्कुल, दो तीन जी। पॉइंट है बस। अगर आप ये कह रहे हैं कि आपने एक ऐसे व्यक्ति को पार्टी में शामिल किया जिसको बदनाम किया गया, तो कांग्रेस ज्यादा बदनाम थी, उसने एक टुकड़े टुकड़े गैंग के सरगना टाइप का जो बदनाम किया गया, कई बार तो हम भी ये कहते हैं कि भाई ये तो प्रोफेसर हनी बाबू को जेल में रखे हुए हैं, इन्होंने तो छात्रों को जेल में रखा है, तो हम तो इसमें सहमत हैं कि ये बहुत अन्याय और अत्याचार कर रहे हैं। उमर खालिद का क्या होगा, जो लोग उस आंदोलन से निकले 2016 में, उसमें से एक व्यक्ति कैसे नेता बन गया और वो पूरा आंदोलन कहां चला गया? एक एक बात यह है कि उमर खालिद के साथ क्या यही रवैया अख्तियार किया जाएगा? कितनी कितनी कीमत चुकानी पड़ रही होगी अलग पहचान का होने के नाते, जिसको मीडिया सर आंखों पर बिठा के नेता अचानक रातों रात नहीं बना देता है। दूसरी बात, सीपीआई और कांग्रेस में कितना फर्क है, राजनीतिक विश्लेषण करने वाले लोग जानते हैं कि दोनों के बीच का रिश्ता कैसा है, वैचारिक रिश्ता कैसा है। अगर राहुल गांधी को आप ये कह रहे हैं कि वो सबाल्टर्न की तरफ झुक रहे हैं, तो फिर उन्होंने जनेऊ क्यों दिखाया, वो मंदिर मंदिर क्यों कहे? 2019 के चुनाव के पहले तो ये हुआ था। लेकिन अगर आप करेंगे कि हाँ भाई हम सामाजिक न्याय के लिए हम वैचारिक प्रतिबद्धता जाहिर करते हैं, तो हम उसका स्वागत करेंगे, इसमें कोई बुराई नहीं है। कम से कम भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है तो न्यूनतम जिसमें कमियां होंगी उसको हम शामिल करने की कोशिश करेंगे। आखिरी टिप्पणी बस ये है कि मेरी चिंता केवल ये है, और जो गुरदीप सप्पल जी ने कहा मैं उससे सहमत हूं, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि वो जो बाहर जन आंदोलन हो रहे हैं वो अपोलिटिकल है, कतई नहीं। हर आंदोलन घोर राजनीतिक होता है। हम लोग तो कह रहे हैं ना कि विश्वविद्यालयों में छात्रों और शिक्षकों को ये कहा जा रहा है कि आपकी काम राजनीति करना नहीं है, तो हम उनका विरोध करते हैं कि इस देश में हर व्यक्ति राजनीति करता है, उसे करना चाहिए। अगर इस राजनीति को फिर से भरोसा जीत करके भरोसा दिगाने में इस्तेमाल किया जाएगा, और जो कांग्रेस के भीतर लग रहा है, राहुल गांधी जी उन्होंने जब कहा कि मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं राहुल गांधी है, मैं माफी नहीं मांगूंगा, तो वो एक बड़ी बात थी। वो कह रहे हैं कि संघ के लोग बाहर चले जाएं, हम तो ये कह रहे हैं कि जिस पार्टी की कोई विचारधारा नहीं थी, लेफ्ट राइट सेंट्रल सब उसमें था, तो उसका एक छोटा रिचार्ज दिल्ली की सत्ता में भी बैठे हुए हैं, उनका भी लेफ्ट राइट सेंटर कुछ नहीं है, तो वो दिल्ली दंगों पर कहां खड़े थे, वो सीएनआरसी पे कहां खड़े थे, आपको दिख गया। वो राष्ट्रवाद के सबसे बड़े प्रतीक हो रहे हैं, और दिल्ली में सबसे ज्यादा प्रचार अगर कोई कर रहा तो प्रधानमंत्री को पीछे छोड़ के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। तो इसका धोखा अगर कोई कोई न मिल जाए उस पर हमें बात करनी चाहिए, ये मेरी टिप्पणी।